Assalamualaikum viewers, welcome back to the channel. आज मैं पहले तो माजर करूँगी आप सबके साथ कि इतने दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ. काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि नेक्स्ट वीडियो कब आनी है, नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड आनी है. तो उस टाइम अभी मुझे ख़ुद भी पता नहीं था कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगी और किस टॉपिक पर आएगी, क्योंकि एज सच मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं एमफिल की, तो टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. लेकिन मैंने फिर भी टाइम निकाला है आप लोगों के लिए और आज मैं वो डिस्कस करने वाली हूँ आप सबके साथ जो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है बिगनर्स की, खासतौर पेंटिंग्स के लिए. वो यही कि कितने साइज़ पर कितने ब्रश से काम करना है, कितनी जगह हो तो उसमें कौन सा नंबर ऑफ ब्रश परफेक्ट रहेगा राइटिंग के लिए, कैलीग्राफी के लिए. तो जैसे कि हमारे पास डिफरेंट साइज़ अवेलेबल होते हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं, मैंने भी कुछ ही निकाल के रखे हैं सामने. तो जैसे ये बहुत छोटा है, ये उससे बड़ा, मतलब सबसे ये डिफरेंट रेंज में है सब. तो कैसे हम सेलेक्ट करें कि हमने अगर जैसे सपोज कि हमारा इतना ही कैनवस है तो हमने उस पर कितने साइज़ ऑफ ब्रश से, कौन से नंबर ऑफ ब्रश से राइटिंग करनी है. इसका एक रूल होता है कैलीग्राफी में, तो मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ वो. तो चलें हम आपको एक्सप्लेन करती हूँ उसको कि लेट्स सी. सपोज कि हम एक एरिया बनाते हैं अपना कैनवस, समझेंगे हमारा कैनवस है, हमारे पास इतनी स्पेस राइटिंग के लिए, हमारे पास इतनी स्पेस राइटिंग के लिए. जैसे सपोज कि अगर ये 1x1 का कैनवस है, या ये अगर इसकी ट्रायंगल में चले 1x1x5 का कैनवस है अगर ये, तो हमारे पास ने इसे बैकग्राउंड रेडी कर लिया. अब हम चाह रहे हैं कि सेंटर में हमारी राइटिंग आ जाए, ठीक है. अब हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि हमने कैसे अपना कौन से साइज़ के ब्रश से काम करना है या किस नंबर से राइटिंग आनी चाहिए. तो हम सबसे पहले अपना पेंटिंग का बैकग्राउंड रेडी करके एक सेंटर निकाल लेंगे जिस सेंटर में हमें राइटिंग करनी है. उस सेंटर में हम मार्किंग कर लेंगे चौक के साथ कि इतने एरिया में हमारी राइटिंग आनी चाहिए, ठीक है. जैसे सपोज कि मैंने अपने इस कैनवस के अंदर ये वाला एरिया सेलेक्ट किया कि मैंने इसमें सीधी पट्टी देनी है एक राइटिंग की, ठीक है. तो मैंने उसके अंदर एक लाइन लगा दी मार्जिन की चौक के साथ. अब रूल ये होता है कि आप उस नंबर को सिलेक्ट करें जिस साइज ऑफ ब्रश से आपके 7 से लेकर 8 कत जो है उस एरिया में आ जाएं. जस्ट लाइक मेरे पास ये एरिया है, तो मैंने इसमें ज़ाहिर है थोड़ी बहुत जगह ऊपर नीचे होनी होगी अगर ये कंजक्टिव लाइंस हैं. जैसे कि अगर एक लाइन यहाँ है और साथ ही नीचे लाइन भी दूसरी भी है, तो मैंने थोड़ा बहुत गैप देना होगा बीच में. तो मैं हल्की सी ऊपर नीचे जगह छोड़कर हम देखेंगे जिस भी ब्रश से 7 या 8 कत आ जाएंगे वो उसके लिए परफेक्ट होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 समटाइम्स एक्सेप्शनली केस में 9 कद भी आपके जो हैं आ जाएँ तो वो काफ़ी इनफ होता है. अब अगर आपके 7 कट आ रहे हैं तो भी आपका वो ब्रश जो है उस जगह पर राइटिंग के लिए परफेक्ट है. अगर आपके उस जगह पर 8 कट आ रहे हैं उस साइज ऑफ ब्रश से, तो भी आप उस साइज ऑफ ब्रश से राइटिंग कर सकते हैं उस एरिया में. अगर उस एरिया में आपके 9 कट बन रहे हैं उस साइज ऑफ ब्रश से, तो भी आप राइटिंग कर सकते हैं. अब जैसे मेरे पास इस वाले नंबर से, ये डॉलर का मार्कर है, मैं आपको इससे एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसका कट का साइज आई गेस चेक कर लेते हैं कितना मिलता है. ये 4-5 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर तो पूरा 1 होता है ना, ये बड़ा इतना ही मिलता है. तो ये ठीक है. तो फिर समझ लें कि अगर मेरे पास इतने कद बने हैं, तो मेरे पास अभी इससे बड़ा मार्कर अवेलेबल नहीं है, वाइट मार्कर है वो नज़र नहीं आएगा उसके पर. चलो हम अपना एरिया छोटा कर लेते हैं. समझें कि हमारे पास इतना एरिया था अगर, तो उस एरिया में जो है हमारे इस मार्कर के साइज़ के कद पूरे आए हैं 8 या 9 जितने भी आ गए हैं. तो हम उस वाले से इतने एरिया में हम इस साइज़ ऑफ ब्रश से, इस साइज़ ऑफ मार्कर से या ब्रश से, जो भी आपका ब्रश आपका सूटेबल लगे उससे हम काम कर सकते हैं. जैसे कि हम लिख देते हैं कुछ,
हमारा इतने साइज में ये वाला साइज जब हमने यूज़ किया है वो परफेक्ट था, क्योंकि हमारे 7 से 8 या 9 भी अक्सर अगर हम लेना चाहें तो 9 करके भी हम काम कर सकते हैं। तो फिर देखें, अगर जैसे कि सपोज के हमारे पास अब एरिया है, विजिबल है लाइन, ये एरिया हमारे पास है, समझ लें कि ये मेरा पूरा कैनवस है, जैसे मैं नीचे कैनवस ही रखा हुआ है, ये पेंटेड है ऑलरेडी। अगर हमें इतने एरिया में कैलीग्राफी करनी है तो हम इसी तरह हर ब्रश के साथ जो है किसी पेज पर या इतने एरिया में, इतनी एरिया का हम मेजर कर लेंगे कि ये कितना एरिया है, इतना बन रहा है कि ये 21 सेंटीमीटर बन रही है, तो हम 21 सेंटीमीटर इस पर 9 ड्रॉ कर लेंगे अपने पेज पे, किसी रफ पेज पर, या आप उस कैनवस पे भी चौक से करना चाहें तो कर सकते हैं। ये इतना हमारा एरिया बन रहा है, ठीक है। अब हमें जो जो लगता है कि नियरेस्ट जो हमें अंदाजे से लगता है कि इस ब्रश से शायद हम काम कर सकें, या इस नंबर से हम काम कर सकें, या इस नंबर से हम काम कर सकते हैं, तो हमें लगता है कि नियरेस्ट हो सकते हैं अंदाजे के तौर पर, तो हम उन सब से जो है अपने कद बनाकर देख लेते हैं। बहुत बड़ा है तो ये लेते हैं, छोटा तो बहुत छोटा हो जाएगा, पहले इतना बड़ा एरिया हमारे पास है। तो हम डिफरेंट तीनों जैसे कि हमें जो एक्सपेक्टेड लगते हैं उनसे हम कद बनाकर देख लेंगे कि जिसके भी कद जो हैं इसने एरिया में 9 या 8 या 7 पूरे आ जाएँ तो उस ब्रश से हम परफेक्टली राइटिंग कर सकते हैं उतने एरिया में, ठीक है। तो हम इस तरह मेजर करते हैं कि हम साइज़ किस तरह सेलेक्ट करते हैं। मैं आपको ये ब्रश से डेमो दिखा देती हूँ, मुझे जरा पेंट देना, चलिए मैं आपको ये ब्रश से करके दिखाती हूँ। मैंने ये एक पेंट ले लिया छोटा सा, थोड़ा सा रफ है जो मैं यूज़ करती हूँ। अब हम ब्रश, ये हमारा इतना एरिया 21 सेंटीमीटर तो हमें आपके सामने मेजर किया था। हमारे पास नंबर है, ये 6 है नंबर, ये वाला है 8 और ये वाला है, इसमें 6 लिखा हुआ है, तो सेम आ गया। चलिए हम 6 और 8 से ट्राई करते हैं, मुझे लगता है कि 6 से हमारा पूरा आ जाएगा, लेकिन हमने जब ट्राई करना तो हमें अभी अंदाज़ा नहीं है ना कि किससे आएगा, तो हम रफली कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए हम पहले 6 से ट्राई करते हैं, इसके कितने कद आते हैं। अगर इसके 7, 8 या 9 कद आ गए इतने एरिया में पूरे, तो हम हमारे लिए इस साइज़ के लिए ये वाला इतने एरिया के लिए ये वाला साइज़ परफेक्ट होगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखें ये 7 कट हो गए हमारे, ये इसीलिए हम इसे आ रहे हैं 8 कट बन रहे हैं। ये वाला साइज परफेक्ट है कैलीग्राफी के लिए। हम इतने एरिया में 21 सेंटीमीटर के एरिया में इस नंबर ऑफ ब्रश से कैलीग्राफी कर सकते हैं, ये हमारे लिए कट ये हो गया। सॉरी ये पेज राजीव से और उसके ब्रश से लिया है, ठीक है। तो मतलब हमें अब इससे तो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी आप करके दिखा देती हूँ कि ये नंबर है हमारे पास 8 रुबीना ब्रशेस। मैंने आपको फर्स्ट टाइम अपनी पेंटिंग में, अपनी पेंटिंग अपने सामान की तरह मैंने अपनी वीडियो बनाई थी सारे टूल्स की तो मैंने आपको दिखाया था। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरी फर्स्ट सेकेंड वीडियो मेरी चैनल पर जाकर देखें और इसमें देख लें कि आप मैं क्या टूल्स यूज़ करती हूँ और कौन से ब्रशेस यूज़ करती हूँ, आप भी वो सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसे चेक करते हैं हमारे कितने कद बनते हैं, इससे भी 8 ही आए हैं, ठीक है। इन दोनों में ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ये देखें
दोनों साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों से 8 कट बने हैं हमारे, तो हम इन दोनों से राइटिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब समटाइम्स ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारे पास कोई एक परफेक्ट साइज ऑफ परफेक्ट एरिया नहीं होता जिसमें हम ऐसे मेजर कर सकें कि हमने कितने कट आएंगे। जैसे समटाइम्स हम राइटिंग कर रहे होते हैं तो कुछ कंसेंट सैचुरेटेड सा हमारे पास राइटिंग करनी होती है हमने, जस्ट लाइक सर्कल में, जैसे हम सर्कल बनाकर कोई सर्कल बनाकर हम उस सर्कल के अंदर मिला कर लिख रहे होते हैं या इस तरह कुछ कर रहे होते हैं, तब हमें ये समझ नहीं आता कि हम इसको कैसे सिलेक्ट करें कि ये कितना एरिया है या कि ये कितना एरिया होगा। समटाइम इस तरह की पेंटिंग्स आ जाती है हमारे सामने, तो उसमें हम किस तरह मेजर करेंगे कि हमने कितने साइज ऑफ ब्रश से काम करना है। तो समटाइम तो मैं तो इसमें इतने चक्कर में नहीं पड़ती, अफराद दासा भी हो गया मुझे, तो मैं अपनी पेंटिंग के ऊपर जैसे कि जो पेंटिंग का जो कैनवस का जो अपना प्लास्टिक चढ़ा होता है, जैसे कि मैंने नीचे कैनवस बिछाया हुआ अभी, तो ये कैनवस का प्लास्टिक है सर, ये नज़र आ रहा होगा आपको, इसके ऊपर ही चढ़ा हुआ ये, तो मैं इसको हमेशा संभाल के रखती हूँ। जब मैं पेंटिंग बना रही होती हूँ तो बैगिंग बनाने के बाद अगर मुझे समझ ना आ रहा हो कि मैंने किस साइज़ ऑफ ब्रश से काम करना है, तो मैं यही प्लास्टिक दोबारा पेंटिंग के ऊपर चढ़ा कर प्रॉपर तो डिफरेंट साइज़ ऑफ ब्रश से लिख कर देख लेती हूँ डायरेक्ट प्लास्टिक के ऊपर कि मेरा कौन सा साइज़ ऑफ ब्रश जो है वो सही लग रहा है इस जगह पे काम करने के लिए। तो फिर ये होता है कि प्लास्टिक के ऊपर क्योंकि आप काम कर रहे होते हो तो विजिबल भी होता है आपको, आप बैकग्राउंड के ऊपर देख सकते हो इजीली कि कैसा लग रहा है और कितने साइज़ कौन सा साइज़ ऑफ ब्रश परफेक्ट लग रहा है, तो आप अपने डिसीजन इस तरह आराम से ले सकते हो। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप सोच रहे होते हो कि मैं गोल्डन से राइटिंग करूं या वाइट से राइटिंग करूं। समटाइम्स जैसे समझे कि मेरे पास एक डिफरेंट मल्टी कलर का बैकग्राउंड है, उसमें मैं सोच रही हूँ कि मैं गोल्डन से राइटिंग करूँ या वाइट से राइटिंग करूँ, तो उसमें भी मैं ऐसे ही करती हूँ कि अपने बैकग्राउंड के ऊपर बैकग्राउंड रेडी करने के बाद इसी का ही प्लास्टिक जब ड्राई हो जाता है पेंटिंग मेरी, तो प्लास्टिक चढ़ाकर दोबारा तो मैं दोनों से राइटिंग करके देख लेती हूँ, वाइट से भी और गोल्डन से भी, तो फिर जो मुझे अच्छा लग रहा होता है मैं उस वाले से फिर राइटिंग कर लेती हूँ प्लास्टिक हटाने के बाद। तो ये होते हैं टिप्स कुछ जो आप अपने पेंटिंग को बेटर करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।